हाय गाइस, वेलकम टू कैनमराइज नॉलेज। आजकल पेन ड्राइव को कौन नहीं जानता। पेन ड्राइव को आजकल हर कोई यूज करता है। क्या आपको पता है पेन ड्राइव का आविष्कार किसने किया था, क्यों किया था और कब किया था? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी था वो था 800 KB और मैक्सिमम स्टोरिंग कैपेसिटी था 2.8 MB, जो बहुत ही कम स्टोरिंग कैपेसिटी वाला था। फ्लॉपी डिस्क आसानी से हीट हो जाता था, तो इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए पेन ड्राइव बनाने का सोचा। 1998 में IBM ने पेन ड्राइव को इन्वेंट किया था। फर्स्ट फ्लैश ड्राइव बनाने के लिए M सिस्टम्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला था IBM के साथ, और जो पहला पेन ड्राइव बना था उसका नाम था डिस्को। डिस्को अलग अलग साइज में आता था, जैसे 8 MB, 16 MB, 32 MB एंड 64 MB, और इसका एडवांस वर्शन हुआकिन सेंग बनाया, जिसको फादर ऑफ पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। हुआकिन सेंग ने वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल चिप USB फ्लैश ड्राइव बनाया था। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साल 2000 में इन्होंने अपना खुद का कंपनी फाइशन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से शुरू किया। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था फाइन वन कार्ड रीडर। साल 2002 में पेन ड्राइव नाम से पेटेंट दर्ज किया गया। क्योंकि पेन सब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस डिवाइस का नाम पेन ड्राइव रखा गया। तो आजकल पूरी दुनिया में पेन ड्राइव यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।